आपको खुद नहीं पता होता है कि आपके पीछे कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ राहुल गांधी को, लेकिन ऐसे ही राहुल गांधी पप्पू नहीं। जिस पत्रकार को आज आप अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए सुनते होंगे, वो अरविंद केजरीवाल का तो आह ऐसी चरण वंदना की पूछिए मत। ये अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं, अर्णव की बात। अरविंद केजरीवाल जो है वो व्यक्ति नहीं है, अवतार है। तो मान लीजिए कि मोदी जी को हीरो बनाना है तो राहुल गांधी को मूर्ख बनाना है। देश में कुछ ही नेता ऐसे हैं जो आज के समय में खुल के सत्ता में बैठी सरकार से सवाल करते हैं और उनकी आलोचना भी। कन्हैया कुमार भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। इलेक्शन के बाद एक प्रोग्राम में कन्हैया ने बीजेपी पार्टी की आलोचना की और ये भी बताया कि किस तरह विपक्षी नेता प्रोपोगंडा का शिकार होते हैं इलेक्शन से पहले। कन्हैया ने इसके बारे में क्या अधिक जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। शब्द कैसे आपके परसेप्शन को पूरे तरीके से कैप्चर कर लेता है, एक सीरीज में ही आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग और JNU में क्या हुआ था और फिर बेगूसराय में क्या हुआ, उसके पीछे का जो एक प्रोपेगेंडा का साइंस है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए क्या होता है कि कई बार आपको खुद नहीं पता होता है कि आपके पीछे कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ राहुल गांधी को, लेकिन ऐसे ही राहुल गांधी पप्पू नहीं हो गए। उसमें खर्चा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ऐसे ही जो है आप खान मार्केट गैंग नहीं हो गए हैं, और ऐसे ही जो है हम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं हो गए। उसके पीछे खर्चा लगता है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्वेस्टमेंट किस में लगता है? इन्वेस्टमेंट प्रोपेगेंडा में लगता है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो गुजरात से आते हैं इतना बैड इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? सम इंडिविजुअल्स, सम इंटेलेक्चुअल्स, सम प्रोफेसर्स, सम पीपल जो लॉयर हैं या एक्टिविस्ट हैं या ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास करेज है कि वो अपना मार्केट का नुकसान सह करके भी देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनके पीछे ये पैसा क्यों इन्वेस्ट किया गया? व्हाई? क्योंकि आपको भी पता है कि आप बहुत वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हम तो खुद चुनाव लड़के देख के ही आ गए हैं, हमारे पास तो लिव्ड एक्सपीरियंस है। तो इतना इन्वेस्टमेंट होता क्यों है? आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो आपने एक सवाल पूछा कि आप हैदराबाद आए थे जेल जाने से पहले जी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जब 2014 में सरकार बनी तो उस सरकार को बनने के बाद लोगों ने कहा कि लोग कांग्रेस से बहुत परेशान थे, 2G 3G जीजा जी तरह तरह की जो है चीज़ें हुई, उसके बाद जो है एक नया विकल्प का ज़रूरत था और प्रधानमंत्री जो है चुन करके आए। जब वो चुन करके आए थे ठीक उससे पहले एक बड़ा जोरदार मूवमेंट हुआ था, अन्ना हजारे का मूवमेंट। अरे मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, जिधर देखो अन्ना अन्ना, अन्ना नहीं गांधी है, देश का दूसरा गांधी है। मतलब गजब गजब हर मतलब जिस पत्रकार को आज आप अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए सुनते होंगे, वो अरविंद केजरीवाल का तो आह ऐसी चरण वंदना की पूछिए मत। ये अरविंद केजरीवाल जो है वो व्यक्ति नहीं है, अवतार है, ऐसा वही पत्रकार कर रहे थे। इसके बाद कन्हैया ने ये भी बताया कि ये प्रोपेगेंडा किस तरह से मास लेवल पे फैलाया जाता है। इस बार कन्हैया ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा कि अन्ना हजारे आंदोलन में जो माहौल बनाया गया वो भाजपा के लिए डायरेक्ट माहौल नहीं बनाया गया, इनडायरेक्ट माहौल बनाया गया। इनडायरेक्ट माहौल कैसे होता है? मान लीजिए कि मेरे बाप जो है फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो हमने कहा डायरेक्टर को, सुनो बे हम हीरो होंगे। मेरी सकल अब हीरो होने लायक है नहीं, तो हमको हीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइड एक्टर हमसे भी छोटा ढूंढ करके लाना पड़ेगा, तो लंबा हम तब में दिखेंगे और हम आगे रहेंगे, बाकी लोग पीछे रहेंगे, ठीक है ना? तो मान लीजिए कि मोदी जी को हीरो बनाना है तो राहुल गांधी को मूर्ख बनाना है, और ये काम अगर मोदी जी करते तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे आप एक चीज देखिएगा, टीवी पे जो विश्लेषक आते हैं वो अपनी पार्टी से उनका क्या संबंध है ये वो नहीं बताते हैं, कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, ताकि लोगों के सामने क्या मैसेज जाए कि ये इंडिपेंडेंट आदमी है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये धूम केतु है, ये ऐसे ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसा फील कराया जाता है। नहीं, अब अन्ना हजारे आए हैं, अब मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी खराब आदमी है, कांग्रेस खराब आदमी है, कांग्रेस बढ़िया पार्टी नहीं है, तो लोग कहता है अरे तो पॉलिटिकल अपोनेंट है ये तो बोलेगा ही ना।
कौन बोल रहा है? जिसका शादी नहीं हुआ है, जो समाज के लिए लड़ता है, जो मतलब है ही मतलब सन्यासी है। हालांकि काम और धर्म की बात कर रहे थे साहब, धर्म का धंधा करने वाले आजकल बहुत काम में लिप्त हैं। आसाराम बापू, चिन्मयानंद, नए नए नाम आते रहते हैं, तो ऐसा फील कराया गया। फिर प्रधानमंत्री चुन करके आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी काम जब दूसरे लोगों ने कर दिया है तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नहीं, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, तो ऐसा पॉजिटिविटी फैलाया गया। और आप देखे होंगे कि जो भी चीज़ विजुअल इम्पैक्ट, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मीडिया में है आप जानते होंगे, विजुअल इम्पैक्ट पे खास ध्यान दिया गया। आप 2014 से पहले जो कमल देखते होंगे वो सेफ्रन होता था, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया। अब हम लोगों को एस्थेटिक सेंस है ही नहीं। अब सुजात साहब आए थे तो काला पहन करके आए थे, पीछे ब्लू बोर्ड है, काला पहन करके आए तो कॉन्ट्रास्ट था, हम ब्लू पहन करके आए हैं, कॉन्ट्रास्ट पता ही नहीं चल रहा है, मैच कर गया। तो हर चीज पे बहुत बारीकी से काम किया गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी या सत्ता में बैठी सरकार को लेकर कन्हैया ने आलोचना की हो। कन्हैया अक्सर ही जनता के मुद्दे सरकार के सामने रखते हैं और तीखे सवाल भी करते रहते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि कन्हैया आगे भी इसी तरह से सरकार से सवाल करते रहेंगे और जनता की परेशानियों को सरकार के सामने उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.